हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। उद्धव सरकार रहेगी या जाएगी, इसे लेकर जमकर कयासबाजी हो रही है। सरकार पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए आज उद्धव ठाकरे ने सीएम हाउस वर्षा में गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए राज्यपाल पर निशाना साधकर राष्ट्रपति शासन की जो तलवार लटक रही है उसे भी कुंद करने का दांव खेला। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या उद्धव सरकार का काउंटडाउन चालू हुआ है? महाराष्ट्र में तेज हुई सत्ता की दौड़। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है, कंस्ट्रक्टिवली सवाल उठाना चाहती है, तो उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है। उससे हमारी सरकार उनकी बात सुनकर सीख सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, मगर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उखाड़कर बिना कोई कारण प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसमें और कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में बहुत फर्क है। राहुल गांधी स्वयं महाराष्ट्र की सरकार के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दिया कि हम लोग वहां एक्टिव डिसीजन मेकर नहीं है? उद्धव ने बुलाई गठबंधन के साथियों की बैठक। कांग्रेस के थे, शिवसेना के थे, कोई भी मतभेद सरकार में नहीं है। सरकार के साथ 170 MLA आज है। जो स्थिति महाराष्ट्र में है वो कोई भी सरकार के विरोध में नहीं है। बीजेपी के जारी है उद्धव सरकार पर धारदार वार। खुद तो कंट्रोल नहीं किसी से, इन लोगों से हो पा रहा है और ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपस में सिर्फ टोगल कर लीजिएगा। इस समय जो है वो आपकी प्राथमिकता होना चाहिए कि लोगों को राहत कैसे मिले। कुर्सी छीनने बचाने के खेल में तार तार हुई संवैधानिक मर्यादा। राजनीति ने राज्यपाल को भी लपेटा। राज्यपाल शंख का झंडा उठाने वाले संत महात्मा हैं। ऐसे महात्मा आग लगाने का काम करेंगे, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। राजनीति की इस चक्की में तिल तिल पिस रहा है आम आदमी। मेरे आदमी का हॉस्पिटल सब देख लीजिए, मर मर भर हम पूरा रात से, मैं दिन से इधर लाइन लगाए हूँ। अब आप लोग नहीं सुनेगा तो इधर कौन सुनेगा? कोरोना से झुलसते महाराष्ट्र में क्या उद्धव सरकार का काउंटडाउन चालू है? आपका परिचय कराते हैं खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता चरण सिंह सापरा जी हैं हमारे साथ। शिवसेना के प्रवक्ता शुभा रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, क्या जाने वाली है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार? देखिए, मुझे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जाने की कोई चिंता नहीं है, वो बने रहे उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि महाराष्ट्र में कोरोना के समय जिस तरह से मुंबई की बदहाली है, ठाणे की बदहाली है, पुणे की बदहाली है, महाराष्ट्र को बचाने की मुझे ज्यादा चिंता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ रही है, जिस मतलब तरह से सरकार रहेगी तब भी महाराष्ट्र बचेगा ना? सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता नारायण राणे जाकर मिलते हैं वो राज्यपाल से और कहते हैं साहब राष्ट्रपति शासन लगा दो, आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, जाने वाली है क्या उद्धव सरकार? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जरा सुन तो ले, इतना क्यों आक्रोश में आ रही हैं आप? बिल्कुल आक्रोश की आवश्यकता नहीं। नारायण राणे जी ने स्वयं राज्यपाल जी से मिलने के बाद कहा ये मेरी व्यक्तिगत मांग है, इसकी पार्टी से कोई लेन देन नहीं। ये नारायण राणे जी का स्पष्टीकरण मैं नहीं दे रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार की कोई मांग अभी तक नहीं की गई है। नारायण राणे जी ने स्वयं ये स्पष्ट किया है सर, बहुत कि मेरी व्यक्तिगत मांग है। क्लैरिफिकेशन कर दिया तो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है सुनकर काफी खुश हो रहे होंगे शुभा रावल जी भी और चरणजीत सिंह सापरा साहब भी। शुभा जी आइए, ये तो खतरा टल गया, बेकार में आप लोग तो सामना के जरिए राजभवन राज्यपाल पर निशाने साध रहे थे। हाँ ये बात है, लेकिन सबसे जैसे कहा गया कि प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि कोरोना से अब हमारा जो युद्ध चल रहा है उसमें किस तरह से जीता जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि सभी पार्टियों ने एक साथ में आके
हमें गाइडेंस करें, या तो आपको हम टीका टिप्पणी या तो क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है, अभी करना चाहिए तो राजनीति नहीं करना चाहिए, और कोरोना से लड़ने में किस तरह से आपकी गाइडेंस मिले या तो सहकार्य मिले ये देखना चाहिए। हम उद्धव साहब इतनी मेहनत ले रहे हैं, उनके साथ में शरद पवार जी मुझे है, बड़ा मजा आ रहा है, सभी मुझे बड़ा मजा आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी ने जिस तरीके से बात रखी, आप जिस तरीके से बात रख रही हैं, अब तो मुझे लगता है सापरा जी को जवाब देना चाहिए। सापरा जी, आपने सुन लिया बीजेपी ने क्या कहा, आपने सुन लिया शिवसेना ने क्या कहा, टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए। तो सर यही काम तो मोदी सरकार पर सवाल उठाकर राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी का टाइमिंग खराब है क्या? नहीं देखिए, नकारात्मक राजनीति की बात नहीं है, हमने जितने भी सुझाव दिए, फिर वो चाहे मजदूरों के बारे में सुझाव दिया या 7,500 रुपया जनधन अकाउंट में डालने का सुझाव दिया या एमएसएमई को वेज प्रोटेक्शन देने का बात की हमने, ये सारे कंस्ट्रक्टिव सुझाव है, ये नकारात्मक इसको आप नहीं कह सकते। सर नकारात्मक तो इसमें कहा जाएगा ना, ये सारे कंस्ट्रक्टिव आपके सुझाव इनको लागू करवा लेते फिर महाराष्ट्र सरकार में, वहां ऐसी हालत क्यों है? इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो पल्ला झाड़ लेते हैं आपकी पार्टी के नेता और कहते हैं साहब हम तो वहां सरकार में शामिल हैं, प्रभावी फैसले लेने में हमारी भूमिका नहीं है। तब वो सरकार में शामिल होने, सरकार में फैसले लेने के फर्क समझाने लगते हैं देश को। सर देखिए देखिए रोमाना जी, आप बात कर रही हैं केवल वो 30 सेकंड की फुटेज जो राहुल जी की आपने देखी होगी, आप अगर वो पूरे 100 सेकंड की फुटेज देखेंगी तो उसमें राहुल गांधी जी को प्रश्न पूछा गया था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आपने किया है उसी तरह से आप महाराष्ट्र में करेंगे क्या, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम की डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है। और सही बात है, तीन पार्टी की महाविकास आघाड़ी है तो बाकी के दो पार्टनर से हम चर्चा करेंगे, उनका संकेत ये था, इसको बीजेपी ने स्पेकुलेशन में ले लिया और मीडिया भी आपको सूट नहीं करते हैं तो आप उसको निकाल कर अलग रख सकते हैं। सर हम क्यों ना अलग रखें, हम तो इन टोटालिटी देखेंगे ना, हम तो खबर देखेंगे ना और दर्शक को दिखाएंगे भी कि राहुल गांधी ने साहब पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि साहब महाराष्ट्र की जो सरकार है वहां कांग्रेस सरकार में शामिल है, कांग्रेस प्रभावी फैसले नहीं ले सकती। खैर खैर खैर, एक मिनट मैं अशोक पनखड़े जी के पास जा रही हूँ, दोबारा आऊंगी सर, दोबारा आऊंगी आपके पास, आऊंगी दोबारा, लेकिन पहले जरा जल्दी से अशोक पनखड़े जी, क्या उल्टी गिनती उद्धव सरकार की शुरू हो गई है महाराष्ट्र में? रोमाना जी, मैं कल से लगातार आपको बोल रहा हूँ, ये सरकार नहीं जा रही है और ये सरकार तब जाएगी जब सरकार के पास आंकड़ा नहीं होगा। अभी सरकार के पास आंकड़ा मजबूती के साथ है। रही बात राष्ट्रपति शासन लागू करने की, वो हो नहीं सकती क्योंकि गुजरात की भी स्थिति उससे भी बुरी है। तीसरी बात, जिसने राष्ट्रपति शासन की मांग की वो बीजेपी में क्या हैसियत रखते हैं, वो 3 महीना 13 में है। यहाँ कांग्रेस को जो लगातार कह रहे कि कांग्रेस को जाना नहीं चाहिए संजय निरुपम, वो 3 महीना 13 में है। यशवंत सिन्हा रोज मोदी जी को कुछ कहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि बीजेपी मोदी जी के खिलाफ हो गई। ये तो हर पार्टी में आपको 2-4 ऐसे मिलेंगे जो अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो लगातार बोलते हैं, खड़से लगातार बोल रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि बीजेपी वीक हो गई है। प्रश्न ये है कि फडणवीस ने खुद ही कहा कि ये सरकार अपने आंतरिक विवाद से गिर सकती है, तो राष्ट्रपति शासन का मुद्दा तो यहाँ खत्म हो गया। रही बात अब कोरोना की लड़ाई की, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, कोई कहता है बिहार में ऐसा हो रहा है, कोई कहता है वहां ऐसा हो रहा है, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बंबई शहर का ज्योग्राफिया एक ऐसा शहर है जो किसकी सानी पूरे इंडिया में कोई और नहीं दे सकता। ठीक है, एक तरफ पहाड़ी एक तरफ समुन्दर, जमीन कम लोग ज्यादा, जितनी डेंसिटी है उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकता, कोरोना फैलेगा जब तक वो शहर खाली नहीं होता, मुझे लगता है आज जो मेरा पूरा पैनल है वो सब मुंबई को करीब से देखते समझते हैं, इसीलिए आपकी बात जो है वो बेहतर तरीके से सब समझ रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन क्योंकि आपने गुजरात का भी जिक्र कर दिया और हम महाराष्ट्र और मुंबई का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर एक डायलॉग के अंदाज में सवाल प्रेम शुक्ला जी बनता है, सर जिनके अपने घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सर गुजरात की वजह से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तो बनती ही नहीं थी सर, समझ जल्दी आ गया। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि राष्ट्रपति शासन की हमारी मांग नहीं है, हो सकता है एबीपी न्यूज को लग रहा हो कि मांग कर ली जाए, एबीपी न्यूज की मांग हो सकती है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पल्ला झाड़ पार्टी के नेता है, अभी इक्वेशन उनके साथ एबीपी न्यूज के कंधे का इस्तेमाल मत कीजिए ना सर, अपनी पार्टी के नेता को ऐसे भी मत धुतकारिए सर, नारायण राणे जी की इतनी भी बेइज्जती मत कीजिए सर, नारायण राणे जी की मांग की कुछ तो लाज रखिए सर,
सर, क्यों एबीपी न्यूज के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नारायण राय जी की कुछ तो लाज रखिए सर, वो जाकर मिलते हैं राज्यपाल से, वो मांग करते हैं उद्धव सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो फेल करार देते हैं सर उद्धव ठाकरे सरकार को। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, राउंड टू के साथ फौरन लौट रहे हैं हम, आप रहिए हमारे साथ, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो महाराष्ट्र में जारी है जबरदस्त सियासी उठापटक, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं शिवसेना की तरफ से, शुभा राज जी हमारे साथ लगातार बनी हुए हैं, लेकिन शुभा जी जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र के अंदर तो इस कोरोना काल में जिंदा और मुर्दों का फर्क आप लोगों ने मिटा दिया, वहां पर लाशें पड़ी हुई है अस्पताल में मरीजों के साथ, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से सामने निकल कर आ रहे हैं, आखिरकार इन खामियों के लिए किसी की जिम्मेदारी तो बनती है ना। नहीं, आपने जिस तरह से वर्णन किया वो इतना बुरा वर्णन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना केसेस बढ़ रहे हैं तो ये पॉजिटिवली भी लिया जाए कि हमने जितनी सस्पेक्टेड केसेस है उनके टेस्ट बढ़ा दिए हैं, टेस्ट बढ़ाने के कारण पॉजिटिव हुई है अस्पताल में। पॉजिटिवली ले लूं मैं या मेरा दर्शक इसे पॉजिटिवली ले ले? तो वो एक बार हुआ है, सुनिए। नहीं नहीं, मेरा दर्शक नहीं 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 आप एक आप ये हाँ तो ये आप बताइए कि वो लाशों को लेने के लिए उनके रिलेटिव्स नहीं आए थे तब वो लाशें रखी थी हमने, उल्टा हमने रिस्पेक्ट दिया था। अरे तो मॉर्चरी में वो कहीं पे डाल दी जाती तो और ज्यादा क्रिटिसिज्म, लेकिन ये किस नहीं, तरीके तो मॉर्चरी में नहीं, ये किस तरीके का आप जवाब दे रहे हैं? तब रखी जाती है, प्लीज आइए, प्लीज आइए। अशोक वानखेड़े, नहीं नहीं आप जो बोल रहे हैं उसके खामियों पर भी सवाल ना किया जाए शिवसेना से? एकदम से गलत, नहीं एकदम से गलत। रोमाना जी एक बात, अभी तो अभी बात हो रही थी महाराष्ट्र के सरकार के रहने पे, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पे। महाराष्ट्र में टोटली कोलैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन, वह इसलिए कोलैप्स है कि नाम उद्धव ठाकरे का, राज शरद पवार का, सारे ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट शरद पवार ने अपने हिसाब से करवाए हैं, सारे लोग पूना और बारामती रिपोर्टिंग करते हैं, मुख्यमंत्री के सामने दो बड़े ब्यूरोक्रेट लड़ लेते हैं आपस में और मुख्यमंत्री असहाय होकर देखते हैं। महाराष्ट्र के दो कांग्रेस के मंत्री और स्पीकर साहब को नागपुर से बाय रोड आना पड़ता है मुंबई ये बताने कि जो जो चीज हम कर रहे हैं हमारे जिलों में, चीफ सेक्रेटरी उसको मना करते हैं। सापरा साहब यहीं बैठे हैं, यदि नितिन राउत और पटोले नहीं गए होंगे तो सापरा साहब तो बताइएगा। ये सिस्टम को लेकर कहीं ना कहीं तो सापरा साहब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की उद्धव सरकार फेल हो गई। बिल्कुल ये जवाब चाहिए, मतलब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की मिली जुली सरकार है, तो उसमें क्या गलत कहती है बीजेपी? आइए सापरा साहब, देखिए आप कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की उल्टी गिनती शुरू, लेकिन आपको अभी लेटेस्ट पोजीशन बता दूं, जो मुख्यमंत्री के बंगले पर मीटिंग हुई है उसमें कोरोना की उल्टी गिनती शुरू होने पर सारी विचार हुई है और कोई कंप्लेनबाजी वहां पर नहीं हुई है। जहां पर एक तरफ महाविकास आघाड़ी कोरोना की उल्टी गिनती पर बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है सरकार की उल्टी गिनती हो। आप राजनीति पर जवाब दे रहे हैं, वो बात हो गई, उससे आगे बढ़ गई है डिबेट। डिबेट में तो आप ये कह रहे हैं कि क्यों ना कहा जाए उद्धव सरकार फेल, सरकार के फेलियर पर आपके सवाल है। देखिए उद्धव सरकार किसी भी हालत में कहीं से भी फेल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर 3,70,000 टेस्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र में हुए, उसमें 2,70,000 टेस्ट मुंबई में हुए। मैंने सवाल पूछा उसका जवाब चाहिए मुझे, मरीज भी ज्यादा निकलेंगे, ये वस्तु स्थिति है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आप बोलिए भाई, ये मत ना सर, सर यहां जलेबी नहीं बना रहे ना, बात कर रहे हैं सर, सवाल पूछा जाए उसके जवाब दे दो। आप लोग जलेबी बना रहे हैं रोमाना जी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं मुझे आप दोनों को, मुझे लगता है जल्दी से प्रेम शुक्ला का चेक लेते हैं। प्रेम शुक्ला आइए जल्दी से, प्रेम शुक्ला प्लीज आइए। सापरा साहब को आप सुन रहे हो, कोई फेल नहीं हुई है उद्धव सरकार? नहीं, सापरा साहब कह रहे हैं व्यवस्था, सापरा साहब शुभा राहुल जी करें बहुत अच्छा। मैं आपको कल रात की घटना सुनने को तैयार, एक सुदामा पांडे नाम का मरीज जो अस्पताल में, एक आपको रियल घटना बता रहा हूँ अभी, आपको जरा बस 10 सेकंड दीजिए। सुदामा पांडे नाम का एक मरीज जो मालाड़ के अस्पताल में एडमिट था, उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई, हम सारे लोगों ने मिलकर, राहुल कनाल इनके नेता है, राइट हैंड है आदित्य ठाकरे के, और हमें बोले, ये दोनों ने कहा कि हमने कहा वेंटिलेटर सिर्फ अवेलेबल करा दीजिए,
तीन घंटा वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हुआ, उसको नाला सुपारा ले जाना पड़ा। मुंबई जैसे शहर में आप वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, 20% जो मृत्यु है वो समय से अस्पतालों में एडमिशन ना करने का कारण है। हम एक छोटा सवाल कर रहे हैं साहब, एक डैशबोर्ड बना दीजिए ताकि कहां पर किस अस्पताल में कितना बेड अवेलेबल है। ठीक है, मुझे मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है। यहां पर ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। और देखिए, मौत तो विद्योत्तमा की भी हुई है महाराष्ट्र में, और विद्योत्तमा की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और मुंबई में रेल को लेकर जो राजनीति हो रही है उसका गंदा चेहरा भी बेनकाब कर रही है। इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। संविधान की शपथ जारी है। तो महाराष्ट्र में सियासी खींचतान, पक्ष विपक्ष आमने सामने, महाराष्ट्र में ट्रेन को लेकर, प्रवासी मजदूर को लेकर किस तरीके से खड़ा है, जरा ये देखिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहां से गाड़ी दी, 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है, राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकते। पिछले दो दिन से रेल मंत्री राजनीति कर रहे हैं। 49 ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से छूटेंगी करके उन्होंने अलॉट किया, और डीआरएम कह रहा है कि 16 ट्रेन से ज्यादा हम छोड़ नहीं सकते। 49 ट्रेनों के पैसेंजर वहां पे जुटे हुए हैं और रेलवे ट्रेन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें लगता है कि जानबूझ के पीयूष गोयल जी, केंद्र की सरकार, रेल विभाग राजनीति कर रहा है। ये जो सारी परिस्थिति निर्माण हुई है लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे, ये पीयूष गोयल जी की वजह से हुई है। ये क्या माजरा है प्रेम शुक्ला जी? उद्धव ठाकरे की सरकार कह रही है कि साहब ट्रेन है नहीं, यात्री खड़े हुए। हाँ, हम ट्रेन है, उनकी पूरी सूची है, बार बार दी गई है, इनका स्टैंड बार बार बदल रहा है। इनसे सीधी सी जो प्रोटोकॉल बना है भाई, एक रेलवे का अधिकारी और एक स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस के माध्यम से यात्रियों की सूची सौंपेगी। ये यात्रियों की सूची सौंप ही नहीं रहे हैं, ये यात्री बुला लेंगे और उन यात्रियों को बुला के धूप में खड़ा कर देंगे। उन यात्रियों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, न कहीं टेंट लगेगा, न कहीं पानी देंगे, न कहीं कुछ करेंगे, और रेलवे को जो है सूची भी नहीं देंगे, और फिर रेलवे पर आरोप भी लगाएंगे। आप रेलवे से और हमारी तरफ से समन्वय कैसे प्रयास होता है? पश्चिम बंगाल के प्रवासी फंसे थे बांद्रा टर्मिनस के पास, नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन उधर सरकार तो कह रहे हैं कि यात्री यात्री है, ट्रेनें दे नहीं रहे। नवाब मलिक को सुना नहीं क्या आपने? नवाब मलिक कह रहे हैं कि साहब 49 ट्रेन की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं 16 से ज्यादा दे नहीं सकते हैं। शोभा राहुल जी, ट्रेन को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? शोभा राहुल जी, ट्रेन को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जरा सा शोभा जी को सुन लीजिए, दोबारा आती हूँ आपके लिए। आइए शोभा जी, सेंट्रल अभी रेलवे मंत्रालय के हाथ में ट्रेन है और रेलवे मंत्रालय इतना डिले कर रही है। हमारी सूची भी तैयार थी लेकिन ट्रेनें ही तैयार नहीं थी, यानी ये जो मिस अंडरस्टैंडिंग है वो लोगों को क्या पता चलेगा? राज्य सरकार को ही दोष दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार थोड़ी ट्रेन लाके बैठा देंगी लोगों को? लोग तैयार है, लोग तैयार है, हमारी सूची तैयार है, हमने हमारी जिम्मेदारी कि आप हमें यात्रियों की, तो जनता लाई थी ना, जनता तो आई है हर जगह पे, हर जगह अरे यात्री बैठे हैं सब, सब पालघर वसई कुंडा हर जगह तो यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है, ट्रेनें क्या नजर आ रही है? ये सूची दे ही नहीं पा रहे हैं, अपनी अपनी गलती दूसरे पे ट्रेन चाहते हैं, इनका संकट ये है। ट्रेन कहाँ पे है बताइए, ट्रेन ही नहीं है, ट्रेन बताइए कहाँ पे है? एक ट्रेन तो थी जो रेलवे का नोडल अधिकारी सूची रेडी है भाई साहब, रेलवे का नोडल अधिकारी है, स्टेट का नोडल अधिकारी है, मुझे रेडी है, हमारे जो आना चाहिए, मुझे लगता है अशोक पांडे जी को आना चाहिए, अशोक पांडे जी। एक पक्ष कहता है साहब ट्रेनें खाली खड़ी हैं, यात्री नहीं है, यात्रियों की सूची दे दो, दूसरा पक्ष कहता है साहब यात्री ये रहे, वो दिखा देता है यात्रियों की भीड़ और कहता है ट्रेनें कहाँ है साहब, ट्रेनें दे दो। सर यहाँ झूठ और सच का कैसे फैसला होगा? रोमाना जी, मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है और बहुत बुरा लगता है। अभी इन्होंने कहा कि रमा मालिक तो एनसीपी के हैं, अरे वो मंत्री है कैबिनेट में,
सरकार में है वो, नहीं, नहीं, ये उस वो बोलेंगे तो सरकार का मानना पड़ेगा। रही दूसरी बात, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, हम लॉजिस्टिक की लॉजिस्टिक की बात करें। आपको जब यूपी में, एक सेकंड बात तो करने दीजिए। रेलवे डिपार्टमेंट इतना झूठ बोलता है, और रेलवे का झूठ ये पहले दिन से श्रमिक एक्सप्रेस चालू हो गई उस दिन से पता पड़ रहा है। पैसे कौन लेगा, कितने लेगा, संचालन एक आता है, बोला एक जाता है। अब जितने भी यूपी बिहार ट्रेनें जा रही है, मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिएगा। अरे झूठ क्या, ये भी तो सुने, अरे ये तो सुनिएगा प्लीज। उसके बाद ये बोला जाता है कि यूपी बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेनें जा रही है, कंजेशन है, इसलिए रीरूट हो रही है ट्रेनें, और 24 घंटे के बजाय 48 और 72 घंटे ट्रेनें जा रही है। यदि रेलवे मंत्री, मुझे लगता है आप जरूर आते हैं, बहुत सही बात आपने कह दी सर। मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी को इस पर जवाब देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी इस कोरोना काल में ये भी पहली बार देख रहा है सर कि ट्रेनें रास्ता भटक रही है सर, वो भी एक दो नहीं 40-40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती है सर, पहुंचना होता है उत्तर प्रदेश, पहुंच ओडिशा जाती है सर, ये कहां से कहां ट्रेनें पहुंच रही है सर, ये कौन सा रूट बना रहे हैं सर, इस तपती गर्मी में मजदूर को इतना क्यों भटका रहे हैं सर, क्यों घुमा रहे हैं सर। फेक न्यूज ना फैलाए, फेक न्यूज ना फैलाए, कोई ट्रेन नहीं भटकी, हमने रूट चेंज किया था, उस रूट के आधार पर पहुंची पश्चिम रेलवे ने पहले दिन ही उसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति दी, लेकिन फिर भी आप फेक न्यूज बना रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये भारत की झूठी पार्टी है, दिल्ली से लेकर के दिल्ली के नेता सब झूठे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज तक देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। 695 ट्रेनें कल शाम तक गई है यहाँ से, 10 लाख और 12 हजार श्रमिक यहाँ से गया, तो ये बताइए कि इतने अगर रिश्ते नहीं मिल रही है तो इतने लोग कैसे गए, 10 लाख लोग कैसे चले गए अगर रिश्ते नहीं मिल रही है आपको। ये झूठ बोलना बंद करिए। कल भी हरियाणा में ट्रेनें गई है, नवाब मलिक ने ठीक कहा कि आप लिस्ट देते हो, कहते हो 45 ट्रेनें जाएंगी और आपका डीआरएम मात्र 16 ट्रेनें वहां पर सैंक्शन करता है, फिर रास्ते में कोई इंतजाम नहीं है खाने पीने का। आपने देखा इटारसी में, जबलपुर में, कानपुर में और पुरानी दिल्ली में किस तरह से लूटमार हुआ है, किस तरह से खाने पीने की लूटमार हुई है, लोग वहां पर पहुंच भी नहीं रहे। आज एबीपी न्यूज के चैनल पर ही देखा है मैंने कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। शर्म आनी चाहिए, आपका कोई इंतजाम नहीं है और आप लिस्ट मांगते हो। लिस्ट के बिना ट्रेनें जा रही है क्या? 26 दिन से ट्रेनें जा रही हैं, लिस्ट के साथ जा रही हैं। ये नया बवाल मत खड़ा करिए, मजदूरों को चिल्ला नहीं कि आपको ठीक है, घर पे शाम जाए तो बोलता है। हम जो है यहाँ पर ठीक है। आपने अपनी बात कह दी, प्रेम शुक्ला ने अपनी बात कही, शुभा राहुल ने अपनी बात कही, मैं अशोक वानखेड़े जी आप ही के पास आ रही हूँ सर कि ये कोरोना काल संकट काल में और उसमें बेनकाब सब हो रहे हैं। ना तो खाना ही मजदूरों को खिला पा रहे हैं सर, ना मजदूरों की घर वापसी संभव करा पा रहे हैं सर। मजदूर जो है वो बेबस बेआसरा दम तोड़ रहा है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है सर। आइए खबर बताने जा रहा हूँ रोमाना जी, मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूँ, और खबर वो है कि सोमवार से लेके बुधवार तक बिहार, अकेले बिहार में जाने वाली रेलवे में 7 लोगों की चलते ट्रेन में मृत्यु हुई है। मेरे पास एक एक मृत्यु का डाटा है, आपके पास समय है तो मैं गांव आदमी आधार कार्ड से लेके सब बता सकता हूं।
रेलवे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। रेलवे में पानी नहीं है, डिहाइड्रेशन चल रहा है, शर्म आनी चाहिए। मुंबई की राजनीति करते हैं, सात लोग मरते हैं, सात लोग मरते हैं, झूठ का पुलिंदा नहीं, पापों को ढकने की झूठ का पुलिंदा नहीं। रोमा जी झूठ और हत्याओं पे झूठ ना बोले, हत्याओं पे झूठ ना बोले। अरे जो मर गए उनको श्रद्धांजलि दीजिए, ये सिस्टम की मौत है, सिस्टम की मौत है। मैंने आपको कहा प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपको कहा मैं एक एक का नाम और गांव दे सकता हूँ। डाटा लेके बैठा हूँ, डाटा लेके बैठा हूँ, खाली नहीं बैठा और झूठ आरोप नहीं लगाता। अधिकारी क्यों छोड़ने पे गलत ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं गलती हो रही है। बहुत सही कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत सही कह रहे हैं सर। मजदूर है ना, मर रहा है तो मरने दो। मजदूर की हत्या, मजदूर की मौत पर अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? बहुत सही, बहुत सही। आप खुद पे नकाब हो रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप खुद पे नकाब हो रहे हैं इस तरीके के बयान देकर। हमको नकाब पहनने की आदत ही नहीं साहब, हमको नकाब पहनने की आदत ही नहीं। बीबी किसका हाल पहनना पड़ रहा है? इतना अनसंसार, इतना इनसेंसिटिव आदमी कैसा हो सकता है? कोरोना काल में तो सबको पहनना पड़ रहा है। अगर आप नहीं पहन रहे तो प्लीज पहनिए, अपना ख्याल रखिए, अपना भूख अपना मुंह ढकिए। प्रेम शुक्ला जी कोरोना से खुद को बचाइए सर, ये कहा जा रहा है सर, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है सर। खैर अब आपकी मर्जी सर, जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए। फिलहाल मैं एक बड़ी खबर दे देती हूँ, और बड़ी खबर ये कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सब एक हैं। इस समय की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। जो बैठक चल रही थी वर्षा में सीएम हाउस में, वहां से बड़ी खबर, बालासाहेब थोराट कांग्रेस के नेता उद्धव सरकार में मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया है उद्धव के नेतृत्व में सब एक साथ है। सवाल उठ गए थे कल राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके का बयान आया था, लेकिन इस समय की बड़ी खबर उद्धव के नेतृत्व में सब एक साथ। सीधे रुख करते हैं मृत्युंजय, इस समय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, जो तलवार लटकती हुई नजर आ रही थी उद्धव सरकार पर, अब लग रहा है वो संकट टल गया। बिल्कुल, देखिए ये संकट इस प्रकार जो बयान फिलहाल महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता बाहर आकर एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहे हैं, ये दो बातें साफ रखना चाहते हैं। एक तो एक साथ ये सामूहिक पत्रकार परिषद ले रहे हैं, इसका मतलब ये बताने की साफ तौर पर कोशिश है कि हम सिर्फ बयानों से ही नहीं बल्कि हम तस्वीरों के जरिए भी एक साथ हैं। दूसरी चीज, विपक्ष पर निशाने को लिया है, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जो इस समय कोरोना का संकट है उसमें देवेंद्र फडणवीस या विरोधी पार्टी भाजपा कहीं न कहीं अस्थिरता लाना चाहती है राज्य में, लेकिन ये अस्थिरता में वो कामयाब नहीं होंगे। और इस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के नेता सभी काम कर रहे हैं। विपक्षी दल इस समय सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो अस्थिरता निर्माण कर रहे हैं मजदूरों का। और साथ ही साथ बताया कि किस प्रकार से राज्य सरकार काम कर रही है और मजदूरों के लिए जो मदद कार्य है उसमें राज्य सरकार किस प्रकार से खर्च उठा रही है, वहन कर रही है। और विपक्षी दल बिना कारण के हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार के सभी नेता मंत्री एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल गठबंधन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है उद्धव सरकार को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं, भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी दल। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। क्या उद्धव सरकार का काउंटडाउन चालू है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तो बैठक के बाद सब नेताओं की तरफ से कह दिया गया है किसी तरीके का कोई खतरा है नहीं सरकार को, लेकिन चरण सिंह सापरा साहब, कब तक के लिए खतरा टला है? नहीं देखिए, महाविकास आघाड़ी पूरे 5 साल चलेगी, और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता है महामारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता क्या है? सत्ता की बीमारी। प्राथमिकता महामारी होती तो महाराष्ट्र नंबर वन राज्य होता क्या कोरोना के मामले में? पॉलिटिकल अड्डा बना करके सत्ता परिवर्तन का लॉन्चिंग पैड गवर्नर हाउस को बनाना चाहते हैं। आपको पता, जब महामारी शुरू हुई थी तब मास्क वेंटिलेटर खरीदने के बदले ये मध्य प्रदेश के एमएलए खरीद रहे थे, ये वही काम महाराष्ट्र के अंदर करना चाहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता बल, धन बल और बाहुबल नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की जनता के सामने इनका पर्दाफाश हुआ है, ये गवर्नर हाउस का मिसयूज कर रहे हैं। कोरोना काल संकट काल टल गया फिलहाल संकट, अशोक वानखेड़े जी उद्धव सरकार पर से?
उद्धव सरकार पर से संकट तो कल गया। एक शायद बात आपने जिक्र नहीं किया इन लोगों ने, राहुल गांधी ने कल रात को उद्धव ठाकरे से बात भी की, जो लगातार मीडिया में बात हो रही थी इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, उन्होंने क्या कहा और उस सरकार के पीछे खड़े हैं। लेकिन रोमाना जी आपने जो कहा संकट टला, ये मुझे टला लगता नहीं है। कोरोना तक ये संकट बिल्कुल शांत रहेगा, तूफान शांत रहेगा, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं 2021 में मुझे सरकार में बदलाव दिखाई देता है। मुझे उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री दिखाई दे लेकिन सपरा साहब शायद वहां नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस माइनस सरकार है आपकी बात सुनकर। फिलहाल ये कोरोना का संकट काल, हमारी तो गुजारिश यही है कि अभी कोरोना की महामारी से लड़ने में ही अपनी एनर्जी लगाए नेता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। और आइए जल्दी से अब आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय क्या है इस पर एक नजर डाल लीजिए। ये कोरोना काल है, संकट काल है, ये समय नकारात्मक राजनीति करने का नहीं है। पक्ष विपक्ष, सत्ता की सांप सीढ़ी का खेल इस समय ना खेले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। संविधान की शपथ में छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।